गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो पहले कराया है उसे नेक्स्ट पढ़ेंगे। होप कि आपको पहले वाला जो है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। आज हम उससे नेक्स्ट आगे करेंगे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल की, सभी सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जैसे बच्चों हम मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो जैसे बाउंड्री वॉल होती है, तो ये एक तरह की बाउंड्री वॉल है। सभी, ये सभी में होती है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल। पहला जो पॉइंट है, इसका मतलब है कि सेल को एक इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है जो इस सेल को एक इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड कर रही है, इस सेल को बाकी सेल से सेपरेट कर रही है। तो एक इंडिविजुअलिटी, जैसे हमारे रूम होते हैं, रूम से हमारे को एक इंडिविजुअलिटी मिलती है। तो इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इसका जो अंदर वाला कंटेंट है, इसको बाहर वाले इन्वायरमेंट से सेपरेट करने के लिए क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सभी में होती है, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है। दूसरी बात, ये किस चीज़ की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है, किसकी, प्रोटीन एंड लिपिड। तो इसके जो दो मेन कंपोनेंट हैं, दूसरी बात, दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। और उसके बारे में आप फर्दर बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। मेन जो चीज़ है कि यहाँ से, मेम्ब्रेन से केवल कुछ ही सब्सटेंस एंटर कर सकते हैं। अगर एंटर करेंगे तो इसका मतलब इसमें कुछ क्या है, पोर्स है बच्चों। पोर्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स का मतलब। ये आपको वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे हम अपने घर में गेट रखते हैं, गेट के द्वारा कोई अंदर आ सकता है, तो इस प्रकार इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसके द्वारा कोई सब्सटेंस इसके अंदर आ सकता है और इससे बाहर जा सकता है। क्योंकि बच्चों सेल जो है, सेल को जीवित रहने के लिए बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत होगी। उस मटेरियल को वो कहाँ से लेगी, अपनी सराउंडिंग से लेगी। जैसे ऑक्सीजन है, फूड है, और भी रॉ मटेरियल है, वो सब इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलता है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जब सेल में आएगा, तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन से पास होगा। सेल मेम्ब्रेन से तभी पास हो सकता है बच्चों, जब उसके अंदर क्या हो, पोर्स हो। तो इसमें पोर्स होते हैं, लेकिन बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। तो इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी कि इसके द्वारा ही कुछ जो मटेरियल है, इसकी परमिशन से ही अंदर आ सकते हैं, इसकी परमिशन से ही बाहर जा सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर से कौन से सब्सटेंस पास करेंगे, जो छोटे साइज के होंगे ना, क्योंकि पोर्स बहुत छोटे साइज़ के हैं, तो उसके अंदर से जो पार्टिकल पास होगा वो भी छोटे साइज़ के होंगे। जैसे ग्लूकोज है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स इस सेल के अंदर जा सकते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक बच्चों कई बार जिक्र आता है कि अमीबा जो है, या जो पैरामीशियम है, या जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड कैसे ऑब्टेंड करते हैं, क्योंकि उनमें हमारे तरह का सिस्टम नहीं होता। तो उनमें एक टर्म आती है बच्चों, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है बच्चों, एंडो मतलब, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि साइंटिफिक जो वर्ड होते हैं उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। एंडो मीन्स क्या होता है, विद इन, साइटोसिस मीन्स सेल। तो सेल के अंदर लेके जाना किसी चीज़ को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। द प्रोसेस बाय विच अ सेल मूव्स लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल और नॉन डिजॉल्व पार्टिकल इनटू साइटोप्लाज्म फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। जैसे बच्चों अमीबा होता है,
अमीबा के अंदर ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती नहीं है कि जो जिसके द्वारा वो फूड को पकड़ सके। तो वो क्या होते हैं, उसके ज़ूडोपोडिया, जिसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ज़ूडो, ज़ूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया, पोडिया मीन्स फिट, फॉल्स फिट, झूठे पैर। झूठे पैर क्या हुए, मतलब कि इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही एक्सटेंड होकर उंगलियों की जैसी स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे क्या कहते हैं, ज़ूडोपोडिया, जिसकी हेल्प से वो फूड को कैप्चर कर लेते हैं। फूड के राउंड इनसर्कल्ड हो जाते हैं और वो फूड जो है फिर साइटोप्लाज्म में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। फिर उसका डाइजेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एंडोसाइटोसिस। यही प्रोसेस हमारी जो WBC होती है, आपने सुना होगा बच्चों, WBC, वाइट ब्लड सेल, इसको जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ाया है कि WBC को हमारी बॉडी की सोल्जर्स कहा जाता है, यानी सोल्जर जैसे देश की रक्षा करते हैं वैसे ही WBC आपकी बॉडी की रक्षा करती है। तो वो रक्षा कैसे करती है कि जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आपकी बॉडी में आता है तो वो उसको खा जाती है, उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। उसके बाद आता है एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, ठीक है ना, और साइटोसिस का मतलब सेल। तो द प्रोसेस बाय विच लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल और लार्ज नॉन डिजोल्व पार्टिकल्स आर मूव्ड फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म, फ्रॉम सेल्स साइटोप्लाज्म टू द आउटसाइड एनवायरमेंट, यानी सेल से बाहर निकलना तो क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस, और सेल के अंदर आना क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का बच्चों कहाँ पे इस्तेमाल करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब उसको वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है तो वो एक्सोसाइटोसिस का यूटिलाइजेशन करता है। तो इस तरह एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्यों पॉसिबल होते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों वो फ्लेक्सिबल होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो कौन से प्रोसेस हैं जिनके द्वारा ये मटेरियल बॉडी के अंदर आते हैं या जाते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो बच्चों दो प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा जो मटेरियल है बॉडी के यानी सेल के अंदर आ सकता है या सेल से बाहर जा सकता है। पहला जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या है बच्चों, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे इन्होंने कहा है गैसियस एक्सचेंज, लेकिन बच्चों ये गैसियस भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, कुछ सॉलिड भी डिफ्यूज़ हो सकते हैं लेकिन उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न थोड़ा स्लो होता है, गैस का एक्सचेंज थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए यहाँ पे हमने गैसेस एक्सचेंज जल्दी आपको दिखाई देता है। इसका एग्जांपल बेस्ट क्या है कि जैसे ही आप परफ्यूम किसी भी कमरे के कोने में छिड़कते हैं तो सारे कमरे में खुशबू हो जाती है, या अगर एक अगरबत्ती को जलाते हैं तो सारे कमरे के अंदर उसकी खुशबू फैल जाती है। तो वो किसके कारण होता है बच्चों, डिफ्यूज़न के कारण। डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, एक्सचेंज यानी कि मटेरियल जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स क्या हैं ये मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में है इधर कम अमाउंट में। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। दूसरा जो बच्चों प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझना बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस बच्चों है तो डिफ्यूज़न की तरह ही, लेकिन इसमें मूवमेंट होती है केवल वाटर की, ठीक है, और दूसरे पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, यानी वहाँ पे सॉल्यूट भी मूव कर सकता था, सॉल्वेंट भी मूव कर सकता था, लेकिन इसमें केवल बच्चों क्या मूव कर सकता है, वाटर। क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है बच्चों। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अभी आपको बताया था, जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, वो एक तरह की कैसी मेम्ब्रेन है,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन का इस्तेमाल अपने आरओ में भी किया जाता है जहाँ पर हम पानी को फिल्टर करते हैं। आरओ सुना बच्चों आपने, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो ऑस्मोसिस टर्म वहाँ पे भी यूटिलाइज हो रही है, ऑस्मोसिस। अब हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें, द मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे मूवमेंट किसकी हो रही है, वाटर की, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसमें दो चीज़ें बच्चों ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मूवमेंट किसकी होगी, केवल सॉल्वेंट की। दूसरी बात, इसके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। कभी आप आरओ वगैरह में देखें, या आरओ वाला जब ठीक करना है तो उससे पूछना बच्चों, क्या वो बताएगा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बोलता है, तो एक्चुअल में उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं, लेकिन हम उस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, इसलिए वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। यहाँ पर मूवमेंट अपने कहाँ कर रहे हैं, हाई वाटर से लो वाटर की तरफ। कई जगह पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो बच्चों हम बात करते हैं कि सॉल्यूट ज़्यादा है, ना कि सॉल्वेंट। जैसे हम बात करें कि पानी, अगर मान लो हमने एक गिलास पानी में एक चीनी, एक टेबल स्पून शुगर डाल दिया, तो हमने कहा भी ठीक है, मीठा ठीक है, लेकिन अगर उसी गिलास में और पानी ऐड कर दें, ठीक है, या पानी को डबल कर दें, तो जो मीठा अगर हम टेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कम नज़र आएगा आपको। तो चीनी तो वो उतनी ही थी, लेकिन अब पानी की अमाउंट बढ़ने से वो सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम है, ठीक है, और वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपने ज़रूर याद रखनी है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न जो बच्चों है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन ऑस्मोसिस केवल लिक्विड मीडियम में होता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट रिक्वायर अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देन बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया कि आपको सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, डाइल्यूट हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं मूवमेंट की, वाटर की मूवमेंट की, तो अगर मान लो कोई सेल, किसी सेल को हमने किसी मीडियम के अंदर प्लेस किया हुआ है, तो उस सेल में वाटर अंदर जाएगा या वाटर बाहर आएगा, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस मीडियम में उसको प्लेस किया हुआ है उसका, उसकी कंसंट्रेशन उस सेल के विद रिस्पेक्ट कैसी है, समझ गए बच्चों, यानी सेल में कंसंट्रेशन कैसी है और बाहर कंसंट्रेशन कैसी है। कॉमन एग्जांपल बच्चों है रेसिन्स, जो अपनी दाखें होती हैं, किशमिश जिसको बोलते हैं, अगर हम उसको पानी में डाल के रखते हैं 2 घंटे के बाद तो वो फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने बाहर क्या है, पानी ही पानी है, और जो हमारी रेसिन्स हैं, किशमिश है, उसके अंदर पानी की अमाउंट कम है, तो ऑटोमेटिकली पानी क्या हो गया, अंदर चला गया। तो पहला जो सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब हमेशा बच्चों होता है लो, ठीक है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे टर्म स्पेसिफाइड है, तो यहाँ पे हाइपो का मतलब क्या है बच्चों, हाइपो मीन्स लेस, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल विच हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, दैट यहाँ पे लिखा है बच्चों हायर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। हायर वाटर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, पानी ज़्यादा है, ठीक है ना, पानी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो कंसंट्रेशन उसकी कम है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। जब भी पानी ज़्यादा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि शरबत बना लो, ठीक है, सिकंजी बना लो, तो अगर उसमें आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो इसका मतलब उसमें मीठा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो हाइपोटोनिक का मतलब लेस कंसंट्रेशन, लेकिन लेस कंसंट्रेशन किसकी, सोल्यूट की,
ठीक है, ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी, वाटर की। तो वाटर मोलिक्यूल आर फ्री टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। अब देखो बच्चों, ये जो मूवमेंट होती है दोनों डायरेक्शन में होती है, बाहर से अंदर आएंगे, अंदर से बाहर भी जाएंगे कुछ मॉलिक्यूल, लेकिन ज़्यादा क्या होगा, बाहर क्या है, वाटर ज़्यादा है, ठीक है, तो अंदर वाटर कम है, तो ज़्यादा मूवमेंट क्या होगी, वाटर की अंदर की साइड होगी, और वो जो भी मेम्ब्रेन है, जो भी अपनी सेल है, वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है ना, जैसे अपने रेसिन्स होती हैं जिनको हमने पानी में रखा तो वो थोड़े समय बाद फूल जाती हैं, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है बच्चों, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है बच्चों, जब कंसंट्रेशन बाहर की साइड, अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो किसकी, सोल्यूट की, और पानी क्या हो कम, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो जो वाटर है, ठीक है, वो बाहर की तरफ मूव करेगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और उसमें जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लो खीरे वगैरह हमने काट के रखे और उसके ऊपर थोड़ा सा साल्ट लगा दें, तो क्या हो जाता है, थोड़े समय बाद उनमें पानी आ जाता है, तो और इसी तरह जैसे हम पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं बच्चों, उसको काट के रखते हैं, ठीक है, और उसमें थोड़ा नमक डाल के रख देते हैं, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, घंटे दो घंटे बाद उसमें पानी आ गया। वो पानी बच्चों कहाँ से आया, कि जो प्लांट्स की जो सेल्स थी उनमें सबसे पानी बाहर आ गया, क्योंकि बाहर नमक ही नमक था, पानी की अमाउंट बहुत कम थी, और कैरी में यानी कि मैंगो रा पिकल्स में, रा मैंगो में, उनमें ज़्यादा होता है पानी, तो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ जाता है, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों एक सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें अमाउंट बराबर हो, यानी जितनी बाहर अमाउंट है वाटर की उतनी ही अंदर है सेल के, तो उस कंडीशन में ना तो बाहर आएगा ना अंदर जाएगा, और सेल वैसी की वैसी रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन। तो तीन तरह के सॉल्यूशन हुए बच्चों, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपर याद रखना बच्चों, हाइपर का मतलब हमेशा होता है हाई, हाइपर ब्लड प्रेशर, हाइपर शुगर, तो हाइपर वर्ड जो होता है वो ज़्यादा के लिए होता है, टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन। हाँ ये ज़रूर याद रखना है, जब हम हाई कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं, कि सोल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है, ये बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है। इसी को दिखाने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, वो मैं एक्टिविटी सेक्शन में डालूँगा, तो एक्टिविटी भी देखना आप ऑस्मोसिस को दिखाने के लिए। एक बात है बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस, अगर मान लो हमने कहा कि प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है सेल वॉल का। प्लांट में सेल वॉल होती है जो कि बड़ी रिजिड होती है, जिसके कारण जो एक सेल है उसको अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, मान लो एक एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है और वो श्रिंक हो गई, श्रिंक होने से उसका जो साइज़ है, साइज़ में फ़र्क पड़ जाएगा, पहले बड़ा था साइज़ छोटा हो जाएगा। लेकिन बच्चों प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल होने के कारण इस सेल का जो साइज़ है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन इस सेल से पानी तो बाहर निकलेगा निकलेगा, क्योंकि बाहर पानी कम है यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में वाटर जब बाहर निकलेगा तो जो सेल के जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म देखिए सिकुड़ सिकुड़ के किनारों तक आ गया, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मोलाइसिस। इसका डायरेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, किसी पोटेड प्लांट यानी कि कोई गमले में लगा हुआ पौधा है, उसको आप दो तीन दिन पानी मत दें, तो आप देखेंगे वो सेल जो है ना, जो लीफ है वो ऐसा लगेगा आपको जैसे मुरझा सी गई हैं, श्रिंक हो गई हैं, और अगर आप उसको पानी दे देंगे तो थोड़े समय बाद ये लगेगा कि यार ये तो फिर वैसी की वैसी हो गई है। तो ये प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस का एग्जांपल है, जो केवल प्लांट में होता है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती।
आगे हम पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि हिंदी में इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। सेल वॉल ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो केवल प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन कुछ फंजाई और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, लेकिन एनिमल कैटेगरी में ये नहीं आती। आगे हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी में, यानी कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने 5 फाइलम के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। उनमें 4 फाइलम में ये सेल वॉल होती है, केवल एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों? सेलोज की। सेलोज बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसके द्वारा सेल को जो है एक मजबूती मिलती है। आपको पता है जो सेल, जो प्लांट सेल है, वो एक जगह पे रह के ही सारे कार्य संपन्न करती है, सारे कार्य करती हैं, वो कहीं जा नहीं सकती, तो इसलिए उनको कठोर यानी कि एक रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए सेल वॉल की ज़रूरत होती है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल देखी थी, एक्चुअल में वो सेल वॉल की ही कवरिंग्स देखी थी उसने, क्योंकि अंदर जब सेल डेड हो जाती है तो बाकी अंदर वाला जो मटेरियल होता है वो गायब हो जाता है। तो ये जो सेल वॉल होती है केवल प्लांट्स में होती है, और जब मैंने बताया था प्लाज्मोलाइसिस होता है, तो प्लाज्मोलाइसिस में सेल वॉल जो होती है उस प्लांट की जो साइज़ है, ठीक है, उसको श्रिंक होने से रोकती है, और ये जो है उनको क्या करती है, एक कठोर यानी सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसके कारण वो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं या बहुत कम वाटर प्रेशर को भी सहन कर सकती हैं। नेक्स्ट बच्चों है न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस जो है इसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई, लेकिन न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो सेल के अंदर जो भी करैक्टर हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है क्या होता है बच्चों, सेल के सेंटर में एक बिल्कुल इलिप्टिकल या गोलाकार संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और न्यूक्लियस के बाहर यानी कि अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था जो यूकैरियोटिक होते हैं, यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब यही है जेनेटिक मटेरियल विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये डबल मेम्ब्रेन है, या अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये दोहरी परत है, डबल है ये, ठीक है, और बीच बीच में आपको स्पेस नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, जो ये स्पेस नज़र आ रहा है ये बीच बीच में, तो ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। क्योंकि बच्चों कोई भी चीज़, कोई भी जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और भी न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं उसके अंदर, और भी जो मटेरियल है, उनको भी फूड चाहिए, उनको भी दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो बाहर से सराउंडिंग से लेंगे, तो सराउंडिंग से मटेरियल को अंदर जाना, फिर अंदर से बाहर आना इंफॉर्मेशन का, तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, जब कोई रास्ता होगा, पैसेज होगा, तो ये पैसेज क्या हैं, ये पोर्स हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मटेरियल है वो बाहर जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये पोर छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई क्रोमोसोम निकलकर न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ठीक है, तो ये पोर इतने बड़े भी नहीं होते कि ये अपने क्रोमोसोम्स वगैरह को आगे यहाँ पे चले जाएं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है न्यूक्लियस के बारे में, इट इज़ अ डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि सेल के सेंटर में होता है जनरली, लेकिन प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस जो होता है थोड़ा सा साइड में हो जाता है। रीज़न क्या है कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है ना बच्चों, वैक्यूल होता है एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर जैसे वेस्ट मटेरियल भरता रहता है, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है बड़ा साइज़ का वैक्यूल कि ये न्यूक्लियस को साइड में धकेल देता है। जनरली इट इज़ प्रेजेंट इन सेंटर।
डायमीटर आपको बताया बच्चों, ये 10 to 25 माइक्रोमीटर, ये जो निशान है ये आपका, ये माइक्रोमीटर के लिए है। और एक माइक्रोमीटर बताया था बच्चों कितना होता है, 10^-6 मीटर, यानी कि 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, ठीक है, 1 मिलियंथ हिस्सा। प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये सभी सेल्स में होता है, एक्सेप्ट RBC, रेड ब्लड सेल। तो बच्चों रेड ब्लड सेल में क्यों नहीं होता, इसका रीज़न ये है कि रेड ब्लड सेल का जो काम होता है मुख्य है, वो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन को लेके जाना। तो ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम सरफेस एरिया चाहिए बच्चों। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उसके अंदर बाकी सारे कंपोनेंट गायब हो जाते हैं, विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है। सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं, फ्लोएम का एक कंपोनेंट है, आगे हम पढ़ेंगे। वेल डिवेल्प इन प्लांट एंड एनिमल सेल, अनडिवेल्प इन बैक्टीरिया, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोक्रियोटिक होते हैं, ठीक है, उनमें ये पूरी तरह से डिवेल्प नहीं होता, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वहाँ पे, तो उनको प्रोक्रियोट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस होता है ज़्यादातर सेल्स में, लेकिन कुछ सेल्स में ज़्यादा, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स। ये आगे क्वेश्चन, अगर टिश्यू वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम, तो स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, यानी मैंने बताया था आपको, छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनका साइज लगभग 80 से 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है बच्चों, 10^-9 मीटर, यानी कि मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट, ठीक है ना, बहुत छोटे होते हैं ये। अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे, वैसे तो जनरली क्या है, न्यूक्लियस एक आपको बॉडी की तरह, प्लांट सेल और एनिमल सेल का मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कैसे देख सकते हैं अपने, उनमें अगर आप न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस छोटा सा एक डॉट सा दिखाई देगा, लेकिन ये सारी स्ट्रक्चर्स केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही संभव है देख पाना। तो आगे क्या है, कलरलेस डेंस सैप प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन राउंड शेप न्यूक्लियोलस एंड नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन क्या होते हैं बच्चों, जो हमारे गुणसूत्र, यानी कि आपने सुनो, आपने कभी सोचा हो कि हमारे अंदर जो करैक्टर आते हैं, हमारे माता पिता के आते हैं, या अगर हम बात करें कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर अगर मान लो सीड्स हैं, मान लो सीड को हम बोते हैं, तो उनके अंदर से वही पौधा क्यों निकल के आता है, नीम के, नीम की निमोली से अगर हम उसके बात करें, पौधा जो निकलेगा वो नीम का ही क्यों निकलेगा, आम का क्यों नहीं निकल जाता, या और कोई क्यों नहीं निकल जाता, क्यों बच्चों, उनमें क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें गुणसूत्र होते हैं। तो वो जो गुणसूत्र होते हैं, यानी जिनको हम आम भाषा में क्रोमोसोम बोलते हैं, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती तो ये एक गुच्छे के रूप में रहते हैं, यानी कि एक राउंड फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। और जब बच्चों ये सेल डिवाइड होती है तो यही क्रोमेटिन्स थ्रेड लाइक बन जाते हैं और ये थोड़े थिक हो जाते हैं, क्योंकि जब सेल डिवाइड होती है, सेल के अंदर विभाजन होता है, तो क्या है, क्रोमोसोम का भी विभाजन होगा, और ये क्रोमेटिन जब एक दूसरे से उलझे हुए रहेंगे तो क्या है, ये टूट सकते हैं। ये बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक यूनिक मेथड है डिवीज़न का, जिसके कारण इक्वल इक्वल जो है आपके क्रोमोसोम्स हैं डिवाइड होते हैं। देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एलिफेंट भी है, चाहे काऊ है, चाहे कोई भी है, छोटे से छोटा एनिमल भी, अपनी लाइफ हमेशा एक सिंगल सेल से ही शुरुआत करता है। हम भी एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, शुरुआत में हमें क्या है, जायगोट थे, जायगोट के बाद धीरे धीरे डिवेल्प होके एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से डिवेलपमेंट हुई, तो यानी कि हमारे अंदर जो भी गुण हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक हैं, वो सब किससे कंट्रोल होते हैं, क्रोमोसोम से, ठीक है।
तो क्रोमोसोम, क्रोमो का बच्चों मैंने फिर बताया था आपको, साइंस के अंदर हर वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है। क्रोमो, क्रोम इज जब भी आता है कहीं पे भी, क्रोम, क्रोम का वर्ड मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमोसोम कलर बॉडीज, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें जब हम सेल को स्टेन करते हैं तो न्यूक्लियस जो है सबसे ज़्यादा स्टेन लेता है, जिसके कारण हमारे को डार्क बॉडी के रूप में नज़र आता है वो, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसी के कारण नज़र आता है ये। हर एक स्पीशीज़ के अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स। पेयर्स की क्यों बात करते हैं हम, क्योंकि हमें 23 क्रोमोसोम मदर से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से मिलते हैं, सो वी हैव 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम, एंड इट इज़ फिक्स्ड इन ईच ह्यूमन बींग। ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका में रहता तो उसके अंदर 47 क्रोमोसोम होंगे, कोई इंग्लैंड में रहता तो उसके 48 हो जाएंगे। हमेशा एक जो स्पीशीज़ है, होमो सैपियन हमारी स्पीशीज़ है, उसके अंदर हमेशा कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 46। ये हर एक सेल में रहेंगी, केवल गैमेटिक सेल को छोड़ के। गैमेट्स आगे बताएंगे बच्चों आपको, जब सेल डिवीज़न होती है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर जो गैमेट्स बनते हैं उसमें आधे हो जाते हैं। तो क्रोमेटिन समझ आया आपको, क्रोमोसोम समझ आया, उसके बाद आता है कई बार जिक्र आता है डीएनए। तो एक्चुअल में ये क्रोमेटिन किसके बने होते हैं, डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म है बच्चों डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर हैं ये डीएनए के बने होते हैं, जो कि बेसिक मोलिकुलर बात, मोलिकुलर लेवल पे बात करें तो ये किसके बने होते हैं, डीएनए के, ठीक है। और ये ही फाइबर कंडेंस होके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। तो ये ज़रूर आपने याद रखना है कि क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। क्रोमोसोम कंटेन स्ट्रेच ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। तो जैसे आपने सुना होगा बच्चों जीन्स, जीन्स क्या होते हैं, तो जैसे एक बहुत बड़ा क्रोमोसोम है ना, बहुत बड़ा होता है, यानी वैसे साइज में छोटे होते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन के मामले में बहुत बड़े होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे करैक्टर होते हैं। तो क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर पार्ट या क्रोमेटिन का वो पार्ट जो एक पर्टिकुलर करैक्टर को कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं, जीन। करैक्टर का मतलब जैसे हाइट है, ठीक है, आइज़ का कलर है, ठीक है, हेयर का पैटर्न है, ठीक है, कोई भी बहुत सारे करैक्टर हैं, वो सभी से सभी कंट्रोल कहाँ से होते हैं, जीन से। तो क्रोमोसोम कंटेन स्ट्रेच ऑफ डीएनए कार्ड जीन्स, जीन्स ट्रांसफर द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो इनके फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटीज, सेल के अंदर सारी जो एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होगी। न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज राइबोन्यूक्लिक एसिड तो कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम, राइबोसोम बनाने के अंदर हेल्प करता है। राइबोसोम बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और राइबोसोम को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है यानी जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोम बनाता है। एंड इट स्टोर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इन जीन। अगर हमने किसी सेल को स्टोर करके रखा हुआ है तो उसके अंदर एक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो कभी भी काम आ सकती है। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल एक लेसन में, कल एक वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने ये जो पीछे आपने पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में है इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, और इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं और इसको आप लर्न करेंगे।